एनसीईआरटी कक्षा 10वीं में मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं। अब इसके बाद प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 7 को इस वीडियो में समझेंगे और इसको हल करेंगे। प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितनी समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। ये आपका एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 7 है। इसको समझेंगे, सबसे पहले एक रफ में हम इसको समझते हैं। और मान लीजिए ये एक खेल का मैदान है, ये एक खेल का मैदान है, ये खेल का एक मैदान है। इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी वृत्त के आकार का एक पथ बना हुआ है। और इस पर यहां से प्रारंभ स्थान से सोनिया और रवि दोनों चलना प्रारंभ करता है। तो सोनिया को टोटल 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगता है। कितना लगता है? रवि को 12 मिनट लगता है यहां से यहां तक आने में। तो फिर प्रश्न आगे कह रहा है, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान लीजिए ये एक ही स्थान है और एक ही समय में यहां से एक ही दिशा में, यानी दोनों आदमी इधर ही चल रहा है, दोनों आदमी इधर ही चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितनी समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। अब बतला रहे हैं कि कितना समय के बाद वो दोनों यहां पर मिल जाएंगे, यहां पर ये प्रारंभ स्थान पर कितने समय के बाद मिल जाएंगे। तो 12 और 18 का जो एलसीएम होगा, 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वही इसके प्रारंभ स्थान पर मिलने का समय भी होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक वृत्ता मैदान है, इसका एक पथ है वृत्ताकार, इस पर सोनिया और रवि दोनों एक ही दिशा में और एक ही समय में चलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो पूछ रहा है प्रश्न ये कि कितना समय के बाद प्रारंभ स्थान पर दोनों मिल जाएंगे। तो 12 और 18 का एलसीएम जो होगा वही इसके समय को बतलाएगा। देखिए कैसे इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, रवि को 12 मिनट लगते हैं जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ये सबसे पहले लिखेंगे। रवि को 12 मिनट लगते हैं जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। और आगे लिखेंगे, एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे, स्थान पर होंगे। दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे और वह समय जो होगा इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो वो लिखेंगे और वह समय, ये लिखना होगा हमें, और वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा, 12 और 18 का एलसीएम होगा, इतना हमें लिखना होगा। और उसके बाद फिर 12 और 18 दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 12, फिर उसके बाद लिखेंगे 18, फिर इसको गुणनखंड एलसीएम को आपको बतलाए हुए हैं, तो 12 का एलसीएम तोड़िएगा और फिर 18 का एलसीएम तोड़ेंगे। इसी तरह तो 12 को यदि हम गुणनखंड में तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में, तो 2 से ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इस पूरे को यहां पर लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 3, उसके बाद फिर 18, तो 18 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 नमा 18, फिर
फिर तीन से तो तीन तिया नौ, फिर यहाँ पे तीन एकम तीन, तो 18 का लिखेंगे यहाँ पर, 18 का दो गुना तीन गुना तीन। अब इसका एलसीएम हमें निकालना है, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 12 18 बराबर, तो सबसे पहले दो इसमें भी है दो इसमें भी है, तो ये दोनों दो के बदले एक दो लिख देंगे, उसके बाद तीन इसमें भी है तीन इसमें भी है, तो इस तीनों तीन के बदले एक तीन लिखा जाएगा, उसके बाद ये दो इसमें नहीं है फिर भी लिखेंगे इसको जो कि आपको एलसीएम में बताया, और ये तीन इसमें नहीं है फिर भी तीन लिखाएगा, तो ये हो जाएगा तीन दुना छः और ये तीन दुना छः, तो टोटल इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तीन दुना छः और फिर ये हो जाएगा तीन दुना छः, तो छः छा के 36, तो ये मेरा हो जाएगा 36, क्या मिनट में लिखा हुआ था तो मिनट। तो इस प्रकार सोनिया और रवि जो है वो 36 मिनट के बाद प्रारंभ स्थान पर होंगे, तो उसको फिर हमको इसमें लिख देना है, इसमें लिखेंगे इस प्रकार, तो हमें लिखना है कि इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। तो हमसे प्रारंभ स्थान ही पूछा जा रहा था इसमें कि सोनिया और रवि जो है यहां से चलना शुरू किया एक ही दिशा में और एक ही समय में, तो पूछा जा रहा था कि फिर प्रारंभ स्थान यानी यहां पर कितने समय बाद दोनों मिलेंगे, तो ये मेरा दोनों का एलसीएम आ गया जो कि 36 यानी 36 मिनट के बाद दोनों यहां पर मिल जाएंगे यानी प्रारंभ स्थान पर, तो इसी तरह लिख देंगे इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर मिल जाएंगे। ये आपका प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 7, आप वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स बना सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, अभी से नोट्स बनाते चलिए, अभी काफी समय है, इसके बाद फिर आपके लिए क्रेश कोर्स आएगा वो भी आप जरूर देखिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद।